नमस्कार सभी को, मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बोटनी पेपर थर्ड का टॉपिक गोल्जी अप्रेंटिस। यह टॉपिक जो है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में आता है। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों में से एक कोशिकांग है गोल्जी अप्रेंटिस, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। तो आज हम इस कक्षा में इस कोशिकांग की विस्तृत संरचना का अध्ययन करेंगे। कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग मौजूद होते हैं। उनमें से एक कोशिकांग है गोल्जी अपरेटस। यहां पर आप ये कोशिकांग देख रहे हो, यह कोशिकांग कहलाता है गोल्जी अपरेटस कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भांति गोल्जी अपरेटस जो आपको यह दिखाई दे रहा है, यह भी मेम्ब्रेन से बना हुआ, झिल्लियों से बना हुआ एक कोशिकांग है। मेम्ब्रेन नेटवर्क से बना हुआ एक कोशिकांग है, जो कि सामान्यतया केंद्र जो है इसके नजदीक पाया जाने वाला एक बड़ा कोशिकांग है। तो आज हम इस कोशिकांग की विस्तृत संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। गोल्जी अपरेटस जो है, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, और इसे सामान्यतया शॉर्ट में हम गोल्जी भी बोल देते हैं, यानी अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। शॉर्ट के अंदर सामान्य भाषा में इसे गोल्जी शब्द से भी हम प्रयोग कर लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यह एक जटिल कोशिकांग होता है, जिसमें कई कंपोनेंट मिलकर इस कोशिकांग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स की संरचना देते हैं। इसकी खोज की थी इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने, और इन्हीं के सम्मान में इस कोशिकांग का नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, गोल्जी अपरेटस कर दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम स्वयं का कैमिलो गोल्जी था। यह थेलिनुमा झिल्लियां जो होती है, झिल्लियां जो व्यवस्थित होकर टेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, थैलों के समान स्ट्रक्चर बनाती है, और उनसे बना हुआ यह कोशिकांग होता है, जो कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो आरबीसीज होती हैं उसके अंदर और ब्रायोफाइटा के स्पर्म सेल में भी ये एब्सेंट। तो ये कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एग्जांपल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्लियरली एब्सेंट है, लेकिन कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जैसे मेमेलियन आरबीसीज हैं और ब्रायोफाइटा के स्पर्म सेल्स हैं, इनके अंदर भी गोल्जी अपरेटस एब्सेंट पाए जाते हैं। कोशिका में इनकी संख्या सामान्यतः एक या इससे अधिक हो सकती है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोशिका में एक होंगे अधिक होंगे। कुछ कोशिकाओं में एक भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक से अधिक भी संख्या में ये पाए जा सकते हैं। पादप कोशिका जो है उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ये कोशिकांग बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें भेजने का काम करते हैं। यहाँ पर इस शब्द से सामान्य रूप से तात्पर्य हमारा ये है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये राइबोसोम्स पर होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर ये संश्लेषित होने के बाद उस स्थान पर जाते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता होती है। तो संश्लेषण स्थल से उस स्थान के ऊपर जहां पर इनकी आवश्यकता होती है वहां पर प्रोटीन को भेजना कहलाता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है प्रोटीन की संरचना काफी जटिल होती है। ये प्रोटीन सामान्यतः जब संश्लेषित होते हैं तब ये निष्क्रिय होते हैं, तो ये कोशिकांग इन्हें मॉडिफाई करते हैं, इनकी संरचना में सुधार करते हैं, आवश्यक सुधार करके इन्हें सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें पैकेजिंग करते हैं, यानी ये इन्हें वेसिकल्स जो है इन्हें पैकेज करके जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करते हैं। तो इसके साथ साथ ये लिपिड्स के लिए भी ये काम करते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड जो है इन्हें वेसिकल्स के अंदर पैक करके इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है
इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस कहने का मतलब ये होता है कि संश्लेषित होने वाले विभिन्न प्रोटीन जो है पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह डिसाइड करता है कि इस प्रोटीन को कहां पर जाना है। तो वहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद इसे अपने जो है कार्यस्थल तक भेजा जाता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे कोशिकाओं का पोस्ट ऑफिस भी हम इसे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। तीन प्रकार के कंपोनेंट्स है जो कि मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का कार्य करते हैं। पादपों में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को आप देखा जाए तो आपको इस प्रकार से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दिखाई देते हैं। यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की दो सरफेस आपको देखने को मिलती है, एक तो ये है सिस फेस, दूसरा फेस होता है ट्रांस फेस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें क्लियरली पोलैरिटी पाई जाती है, इसकी दो स्पष्ट रूप से सतह होती है, एक सिस सरफेस होती है दूसरी ट्रांस फेस होती है। अब ये सिस फेस जो है ये इसकी रिसीविंग साइड होती है गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो भी पदार्थ आकर जुड़ते हैं, जो भी प्रोटीन लिपिड आदि आकर जुड़ते हैं, वो इसकी सिस फेस से आकर जुड़ते हैं, यानी ये इसकी रिसीविंग साइड होती है, जबकि ये इसकी ट्रांस फेस जो है इसकी शिपिंग साइड है। शिपिंग साइड का मतलब होता है किसी पदार्थ को गोल्जी कॉम्प्लेक्स से किसी अन्य स्थान पर भेजना है, तो यह कार्य जो है गोल्जी सरफेस की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी इस फेस पर किया जाता है, इसलिए शिपिंग साइड कहते हैं। यानी यहां से पदार्थों को दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का कार्य किया जाता है। यहां पर सिस फेस की तरफ ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आकर जुड़ती हैं, ये आती है सामान्यतः रफ ईआर से। जो रफ ईआर जो होती है उससे संश्लेषित होने वाले प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू आकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस फेस पर आकर जुड़ते हैं, और ये प्रोटीन जो है यहाँ पर इस प्रकार से रहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन से एक इन्हें जो है ये स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन की बनी हुई चपटी संरचनाएं जो है थैलेनुमा संरचनाएं जो है इन संरचनाओं को हम कहते हैं सिस्टर्नी। जिस प्रकार ईआर में भी सिस्टर्नी उपस्थित थी उसी प्रकार से कमोवेश उसी प्रकार की सिस्टर्नी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये सिस्टर्नी जो है एक के ऊपर एक इस प्रकार जो है स्टैक के भांति व्यवस्थित होती है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स से जो पदार्थ आते हैं ये पहले इस सिस्टर्नी से फिर यहाँ से दूसरी सिस्टर्नी तीसरी सिस्टर्नी इस प्रकार एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी लगातार ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं और फाइनली जो है यहाँ पर ट्रांस फेस तक पहुंचते हैं। और सिस फेस से ट्रांस फेस तक पहुंचते हैं उस दौरान इन प्रोटीनों के अंदर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से वेसिकल्स है, यह यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यू वेसिकल्स फॉर्मिंग। तो यहाँ पर ट्रांस फेस जो है यहाँ से सिस्टर्नी से अलग होकर ये छोटी छोटी वेसिकल्स जो है बनती है, तो इस प्रकार नई वेसिकल्स का निर्माण होता है। वेसिकल्स बनने के पश्चात ही इस प्रकार से अलग हो जाती है, तो अलग अलग वेसिकल्स यहाँ पर अलग हो जाती है। सामान्यतया दो प्रकार की वेसिकल्स यहाँ पर अलग होती है, पहली होती है सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब होता है स्रावी पुटिकाएं। स्रावी पुटिकाओं का मतलब है कि कुछ कोशिकाएं जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो पदार्थ जो है जिन्हें जिन पदार्थों का श्रावण किया जाता है वह इन वेसिकल्स के अंदर पैक करके इन्हें उस स्थल तक भेजा जाता है जहां पर इनका श्रावण किया जाता है। दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का मतलब होता है कि पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिटेल स्ट्रक्चर है जिसे हम और आगे हम पढ़ेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यह मेनली सिस्टर्नी से बना होता है। सिस्टर्नी क्या होती है, सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर स्थित फ्लैटेंड सैक होती है। फ्लैटेंड मतलब चपटे संरचना वाली संरचनाएं होती है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि बिल्कुल चपटी होती है। करीब 4 से 8 सिस्टर्नी जो है यहाँ पर एक स्टैक में पाई जाती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था सिस्टर्नी यहाँ पर चपटी बिल्कुल चपटी थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक पाई जाती है, और सामान्यतः 4 से लेकर 8 तक सिस्टर्नी यहाँ पर पाई जाती है। इन सिस्टर्नी के बीच में जो अवकाश पाया जाता है सामान्यतः यह अवकाश बराबर होता है, और ये सिस्टर्नी जो है सभी एक दूसरे से साइटोप्लाज्म की पतली परत के द्वारा अलग अलग होती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये सिस्टर्नी है इसके बीच में यहाँ पर साइटोप्लाज्म की लेयर पतली से पाई जाती है, फिर दूसरी सिस्टर्नी है इसके बीच में साइटोप्लाज्म की लेयर है। तो ये सभी सिस्टर्नी जो है एक दूसरे से अलग अलग होती है,
और साइटोप्लाज्म जो बीच में उपस्थित होता है और कई जगह से ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती है। तो सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है एक विशेष प्रकार का नेटवर्क बनाने का काम करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में स्पष्ट पोलैरिटी पाई जाती है, जिसकी हमने चर्चा की थी कि इसकी सिस और ट्रांस दो फेज पाए जाते हैं। सिस फेज इसकी रिसीविंग साइड है, जहां से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आकर जुड़ती हैं, और ट्रांस फेज जो है शिपिंग साइड है, जहां से वेसिकल्स इससे अलग होती है। तो इसकी सिस फेज जो है ये कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ये उत्तल आकार की दिखाई देती है, जबकि ट्रांस फेज जो मैच्योरिंग फेज होती है वो कॉनकेव या अवतल आकार की दिखाई देती है। आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पर उत्तल जो शेप उत्तल लेंस के समान इसकी होती है, और यहाँ पर ये आप सरफेस देखते हो ये अवतल लेंस के समान इसकी संरचना होती है। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये कॉनकेव फेस पाया जाता है इसका। सेक्रेटरी मेटेरियल जो है सामान्यतया इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होता है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल से इसके पास पहुंचते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं। तो ये यहाँ पर स्मूथ और रफ दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेक्रेटरी मेटेरियल इनके पास पहुंचता है। दूसरे प्रकार के इस कंपोनेंट है जिन्हें हम ट्यूबुल्स कहते हैं। ट्यूबुल्स जो होती है सामान्यतया छोटी होती है और सिस्टर्नी की परिधि पर उपस्थित होती है। सिस्टर्नी की जो परिधि है वहां पर ट्यूबुल्स जो है नलिकाकार संरचना उपस्थित होती है। ये भी मेम्ब्रेन से बनी हुई नलिकाओं के समान संरचना होती है, और ये ट्यूबुल्स कुछ जो है एनलार्ज होकर बड़ी होती है, और उनसे वेसिकल्स जो है ये पिंच ऑफ होकर अलग होती है, वेसिकल्स या पुटिकाएं। ये सामान्यतया गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कॉनकेव सरफेस यानी तो ट्रांस फेस जो है इसकी तरफ प्रेजेंट होती है और एंड की तरफ ये उपस्थित होती है। ये दो प्रकार की होती है, कुछ स्मूथ वेसिकल्स होती हैं और कुछ कोटेड वेसिकल्स होती हैं। कोटेड वेसिकल्स का मतलब होता है कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों की कोटिंग पाई जाती है, जिनका आवरण पाया जाता है, जो कि इन वेसिकल्स को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी मैट्रिक्स। इन सिस्टर्नी ट्यूबुल्स और वेसिकल्स इसके अंदर जो है कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि वहां पर कोशिका के सेल टू सेल डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कोशिका और किस प्रकार का मेटेरियल यहाँ पर भरा होता है। सामान्यतः यहाँ पर प्रोटीन्स एंजाइम्स आदि पदार्थ जो इसमें भरे हुए। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन। इसका पहला फंक्शन है सिक्रिशनिया श्रावण। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्रावित करने का काम करती है, जैसे कि दो नेटवर्क है, सिस गोल्जी नेटवर्क और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये सब जो है सिस फेस और ट्रांस फेस से ये बने होते हैं, और ये इन दोनों पोर्शन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्रावण में, क्योंकि स्रावित होने वाले पदार्थ सिस गोल्जी नेटवर्क पर आकर जुड़ते हैं, गोल्जी के अंदर मॉडिफाई होते हैं और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ये स्रावित हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स इनको प्राप्त होती है वह सिस गोल्जी नेटवर्क पर आकर जुड़ती है, वो सिस फेस के आकर आकर जुड़ती है, और यहां से ये प्रोटीन जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश। और जो प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर जाते हैं उन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, उन्हें सक्रिय निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, उनके कॉन्फिगुरेशन में परिवर्तन किया जाता है, और फाइनली जो प्रोटीन मॉडिफाई हो जाते हैं वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं, यानी गोल्जी नेटवर्क के ट्रांस फेस पर आ जाते हैं। और ये जो नए प्रोटीन जो बने हैं मॉडिफाई हो गए हो चुके हैं, ये यहाँ पर ट्रांस फेस पर पहुंचने के पश्चात इन्हें ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यानी गोल्जी जैसा कि हम पहले बात की थी पोस्ट ऑफिस की भांति काम करते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह डिसाइड करते हैं कि किस प्रोटीन को किस स्थान पर भेजा जाता है, और इन्हें भेजने का काम ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा करते हैं। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की महत्वपूर्ण साइट होती है। कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर संश्लेषित होकर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और उनमें स्पेसिफिकली यहाँ पर ग्लाइकोसामिनी ग्लाइकेंस जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें गैक्स बोलते हैं। ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकेंस ये गैक्स कहलाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में कई मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं, और ये पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन जो मिलकर प्रोटियोग्लाइकेंस का निर्माण करते हैं। प्रोटीन यानी प्रोटीन, ग्लाइकेंस यानी जो कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट काम है इसका सल्फेशन। सल्फेशन का मतलब होता है कि ये सल्फो ग्रुप को विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल से जोड़ने का काम करते हैं। सल्फेशन का मतलब होता है कि विशेष विभिन्न मॉलिक्यूल जो है उनके साथ सल्फो ग्रुप को जोड़ने का काम करते हैं। एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम सल्फोनेशन कहते हैं। ये सल्फोनेशन जो है सल्फेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सल्फोनेशन के अंदर सल्फेट या सल्फ्यूरिल ग्रुप जो होती है, सल्फेट या सल्फ्यूरिल ग्रुप उसको अन्य मॉलिक्यूल से जोड़ते हैं, वो सल्फोनेशन कहलाती है, जबकि सल्फो ग्रुप को जोड़ने की प्रक्रिया सल्फेशन कहलाती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह महत्वपूर्ण कार्य करने का काम करता है। यह कार्य जो है इनकी ल्यूमन में होती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी ल्यूमन जो है इसके अंदर यह काम किया जाता है, और इसके लिए कुछ विशेष एंजाइम होते हैं जिन्हें सल्फो ट्रांसफरेजेस कहते हैं। सल्फो मतलब सल्फो ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम सल्फो ट्रांसफरेजेस कहलाते हैं, और यहाँ पर सल्फो ग्रुप को डोनेशन करने का काम करते हैं PAPS पेप्स कहते हैं, 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सल्फो ग्रुप को डोनेट करते हैं, और यह सल्फो ग्रुप जो है इस एंजाइम के द्वारा अन्य मॉलिक्यूल के साथ ऐड करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता है। और सामान्यतः यह काम जो है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में किया जाता है, ट्रांस साइट की तरफ यह किया जाता है। और सामान्यतः ये जो गैक्स संश्लेषित होते हैं और जो कोर प्रोटीन्स होते हैं इन सभी का सल्फेशन किया जाता है, और सल्फेशन करने के उपरांत जो है प्रोटीन जो है ये इनकी संरचना में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो सामान्यतः सल्फेशन जो है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन करने से जुड़ा हुआ एक स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेलुलर सुसाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक व्यवस्था पाई जाती है कि कुछ कोशिकाएं जो कि अब सक्रिय नहीं रही है, निष्क्रिय रह गई है और शरीर को जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, उन कोशिकाओं को कोशिकाएं स्वयं जो है नष्ट करती हैं। तो कोशिकाओं तो शरीर के द्वारा अपने स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है यह एपोप्टोसिस कहलाती है, और इसे एक विशिष्ट प्रक्रम के द्वारा, इसे एक विशेष प्रोग्रामिंग के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा जो है इसे नष्ट किया जाता है, जिसे हम सेलुलर सुसाइड कहते हैं। यहाँ पर सुसाइड इसलिए कि कोशिका स्वयं जो है एक व्यवस्था बनाती है और स्वयं को नष्ट करने का कार्य करती है, और इस पूरी प्रक्रिया में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एपोप्टोसिस जो है एक तरीके से शरीर की सफाई से जुड़ा होता है। ऐसी कोशिकाएं जो कार्यशील नहीं है, जो निष्क्रिय अवस्था में है, उन कोशिकाओं को हटाना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ये एक तरीके से शरीर की सफाई करने से जुड़ा हुआ है, ताकि शरीर के अंदर वही कोशिकाएं रहे जो कि सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। और इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन भी यहाँ पर होते हैं, गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन होता है। इसका काम होता है कि इस एपोप्टोसिस को रोकना। जब तक यह प्रोटीन कोशिका के अंदर मौजूद है तब तक कोशिका जो है यह सर्वाइव करती है, कोशिका जीवित रहती है। इस प्रोटीन की मात्रा कम होने पर या अनुपस्थित होने पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अन्य लाइसोसोम्स आदि जो है ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो कोशिका के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, इसे एपोप्टोसिस से बचाए रखने के लिए यह प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कोशिका को जीवित बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने की प्रक्रिया, और जिससे कि ATP का संश्लेषण होता है। तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिसके द्वारा ATP का संश्लेषण होता है। तो ये ATP जो है ये गोल्जी की ल्यूमन के अंदर संश्लेषित होते हैं, और इसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है, जैसे कैसिन काइनेज फर्स्ट और कैसिन काइनेज सेकंड आदि एंजाइम्स जो है ये ATP संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। धन्यवाद सभी को। तो आज की कक्षा में हमने इस प्रकार से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की विस्तृत संरचना को पढ़ा, और हमने देखा कि किस प्रकार ये पोस्ट ऑफिस की भांति कार्य करते हुए विभिन्न प्रोटीन को मॉडिफाई करने के उपरांत इन्हें अपने कार्यस्थल पर भेजने का कार्य करता है। थैंक्स अ लॉट। सभी जुड़े रहिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।